आप क्यों खुशी के आंसू रो रहे हैं? हम आपको 1 करोड़ रुपए का चेक न दे पाएंगे। तिवारी जी आप क्या कह रहे हैं? अगर ये डील ना हमारे हाथ से निकल गई ना तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तू तो मेरी बहन को जानता ही है। अरे यार इस मोहल्ले में एक लौंडा रहता है जिससे वो प्यार करती है। अरे है कोई विभूति नारायण, तो मैं किसी भी कीमत पर उस आदमी को खरीदना चाहता हूँ। जिस आदमी को खरीदने की बात कर रहे हैं ना, हम उसे जानते हैं और हम ये डील आपकी करवा सकते हैं। अनु मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है कि 1 करोड़ तो क्या, आप उसके पैरों में 10 करोड़ रख देंगे तब भी वो मुझे बेच दूंगी। अड्डू ये क्या कह रही हो? अड्डू मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें बेच दूंगी। तिवारी जी जल्दी से उस सेठ को ना फोन करके बोलिए कि मैं विभु को बेचने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ, लाइए लाइए ये 25 लाख रुपए मुझे दीजिए। और ये हटाइए कपड़े, ये 25 लाख रुपए। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, ये जो संसार है चोर बाजार है, धोखा बिकता है बोलो खरीदोगे। यार ये कमिश्नर साहब है ना, दिखने में इतने हल्के फुल्के लगते हैं, ये है बहुत भारी यार। अबे वो तो ठीक है यार, जल्दी से डिब्बे का ढक्कन खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि दम घुट जाए कमिश्नर साहब का। अरे यार सही कह रहे था। तुम कमाल हो गया यार, डिब्बे में तो कमिश्नर साहब घुसे थे, ये दरोगा जी कैसे निकला है? चमत्कार है, चमत्कार, 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 सारे घुइया चमत्कार होगा। असल में तुम्हारे सारे कछु काम की नहीं है, दो कौड़ी की आदमी नहीं है, दो कौड़ी की सारे बैठ के बस चाय की दुकान पे बकर बकर करा लो। वो एक बात समझ में ना आ रही यार कि जा डिब्बा में कमिश्नर साहब घुसे आए थे तो दरोगा जी आपको क्या घुसने की जरूरत थी इसमें? अबे भीगी लट, हम का जानबूझ के घुसे हैं डिब्बा में। तो किसी ने जबरदस्ती घुसेड़ दिया था तुम्हें डिब्बे में? हमें अचानक ठोकर लग गई, हम घुस गए मुंह के बल। एक बात बताओ, जब तुम्हें ठोकर लग गई थी तो जहां में हमारी का गलती आ गई? हमारे सामने तो जा डिब्बा में कमिश्नर साहब घुसे थे। हाँ वो एक बात समझ में ना आ रही कि जा डिब्बा में जब कमिश्नर साहब घुसे रहते तो गायब कहाँ होगा यार? डिब्बा साहब साइड में हो रहा था डब्बे में नहीं है यार। अगर हम तुम एक ठो कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में विभूति खो जाए। क्या बोले भाभी जी? जो आप गाना गा रही थी, मैंने उस गाने को कंप्लीट कर दिया कि तेरे नैनों की भूल भुलैया में विभूति खो जाए। नहीं नहीं, लेकिन वो गाने में भरभूति ना ही खोते हैं, बाव भी खोती है। भाभी जी गाने में बाबी खोती है और यहाँ हम खो रहे हैं, एक ही बात है भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। हदिया का हुआ हा? का है सेट है आप? भाभी जी सेट तो अब नहीं हो रही। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप शायद अपसेट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, काहे रो रहे हैं हाँ? भाभी जी मुझे अनु ने एक अमीर आदमी के हाथों बेच दिया, आई एम सोल्ड। हाँ तो ये तो बहुत खुशी का बात है, इसमें न रोने की क्या बात है प्रभुदी जी। भाभी जी यहाँ मैं बिक गया हूँ और वहाँ आप खुश हो रही है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आप जल्दी से बिक जाएं और लड्डू के भैया के नुकसान की भरपाई हो जाए, काहे कि वही तो बिकवाए हैं आपको। मुझे पता है वादी दराली खा रहा है बीच में। क्या बोले? फिर कहा भाभी जी मैं बिक गया और आपको जरा से भी अफसोस नहीं है इस बात का? लेकिन किस बात का अफसोस करें? हाँ ये तो बहुत खुशी का बात है कि आप बहुत महंगा बिक गए हैं, इतना उम्मीद ना ही था हमको आपसे। लाची औरत। क्या बोले? लाची
ठीक आ गई भाभी जी, चलता हूँ। लेकिन विभूति जी आप बहुत बाजारू हैं। भाभी जी मैं बाजारू नहीं हूँ, मैं तो बिका हुआ हूँ। हाँ तो एक ही तो बात है। इस लेडी के साथ लैंग्वेज का इतना बड़ा इश्यू है कि हाउ डू इवन कन्वर्स विद यार सिस्टर। इससे पहले किस्से कहानियों में सुना था और फिल्मों में देखा था कि दौलत की लालची बीवी दौलत की लालच में आके अपने पति को बेच देती। साला मुझे क्या पता था, कहाँ सोचा था मैंने ख्वाबो ख्याल में कि इस साले मेरे साथ हो जाएगा। अनु जिसको मैं पतिव्रता समझता था कि मुझे बहुत प्यार करती, शी इज इन लव विद मी, मुझे उसने एक बेजान सामान की तरह बेच दी। गॉड। विभु, हाय विभु। विभु तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बेजान सामान बोला नहीं करते मैडम। अपने आप को बेजान सामान क्यों कह रहे हो? जिस तरह तुमने मेरा सौदा किया है, मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं एक बेजान सामान हूँ, नथिंग मोर देन दैट। तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, मैंने तुम्हें इतने अच्छे दामों में बेच दिया। वाह मैडम वाह, क्या बात, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक तो अपने पति को बेचने का गुनाह अजीम किया है, इस बात का आपको फख्र है, अब बड़े फख्र से कबूल कर रही है इस बात को। अनु तुमने तो घटियापन की सारी हदें पार कर दी हैं। माय गॉड, मैंने क्या घटियापन की हदें पार कर दी हैं? तुम्हें अच्छी कीमत में बेच के तुम्हारी शान बढ़ाई है मैंने। तुमने शान नहीं बढ़ाई है, बल्कि तुम्हारी लालच ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को जलाकर राख कर दिया है। और जो हमारे पति पत्नी का रिश्ता तुम्हारे नल्लेपन की आग में तिल तिल करके जल रहा था, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस दुनिया में अकेला नल्ला नहीं हूँ, बहुत नल्ले हैं। तो क्या उनकी बीवियाँ उन्हें बेच देती हैं? मुझे किसी और की बीवी से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि मैंने बहुत सही काम किया है। अरे मेरे बिजनेस में 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और इस वक्त मैं अपने बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं देख सकती। बहुत बड़ी सौदागरनी हो गई हो तुम्हें, रिश्ते बेच के बिजनेस कर रही हो, व्यापार कर रही हो। अगर रिश्ते अच्छी कीमत में बिकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बोझ दो आंसू, इन आंसुओं की और जज्बातों की बाजार में कोई कीमत नहीं है। नो वैल्यू। अगर कीमत होती तो तुम उन्हें भी बेच देती। डेफिनेटली, बिकते तो बेच देती। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। क्यों गा रहे हो ये गाना? बिक तो चुके हो और कितना बिकोगे? अरे अगर हमें पता होता तो हम तुझे खरीद लेते। बेटा गलत टाइम पे उंगली कर रहा है, बहुत तपा हुआ हूँ। Excuse me. I got some more coffee for myself. अरे हाँ मीनल, भेज ना ब्लू प्रिंट उस बिल्डिंग का, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ चल भेज। ओके। ये डॉक्टर काफी देर से आपके दोस्त का चेकअप कर रहा है, कहीं आप मुझे डिफेक्टेड माल तो नहीं पकड़ा रहे ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एकदम ठोस माल देंगे, एकदम ठोक बजा कर। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी आपको। अब हमको बोला गया था कि जरा डिटेल में घुस के चेकअप करना, तो मैं क्या करता भाई? अपना काम तो मैं सही से करूंगा ना। कहिए डॉक्टर, माल डिफेक्टेड तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं सर, माल एकदम चौकाया। हमने कहा था ना आपको एकदम सॉलिड माल देंगे। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, सेकेंड हैंड सामान ठोक बजा कर खरीदना चाहिए। सर आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैंने अच्छे से ठोक बजा के देख लिया, आप बेफिक्र होके माल उठा लीजिए। पुर्जे वगैरह सही चल रहे हैं ना? हाँ हाँ बाकी तो सब ठीक है, थोड़ी सी ग्रीसिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कुछ जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ इस सामान का। ओवरहॉलिंग करा लेंगे। ये क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ पे यार, ये क्या बदतमीजी हो रही है, है? तब तक आप लोग चाय नाश्ता कीजिए। आओ पगली रखो, देखो लड़की वाले आए। तो आपने ठीक से विभू की जांच परख कर ली?
जी भाभी जी बिल्कुल कर ली जांच पर अब पूरी तरह से। सोने से भी ज्यादा खरा है मेरा विभू। हाँ और एक ठो खासियत और है भरभूति जी में, उना शेर बहुत अच्छा सुनाते हैं। शेर सुनाने से ज्यादा बेहतर होगा शेर के जैसा परफॉर्मेंस करे। अरे उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरा विभू शेर जैसा बहादुर है। बाकी मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है, भगवान ने चाहा तो रिपोर्ट एकदम क्लियर आएगी। हमें लगता है ब्लड की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएंगी क्योंकि इनका वैसे अब बाहर आना जाना तो था नहीं। अच्छा तो ठीक है। हाँ भाई जरा चल के दिखाइए। चल के दिखाइए क्यों क्यों भाई? अरे चल दो ना, कितनी अच्छी चाल है तुम्हारी, दिखाओ सबको, चल के दिखाओ, क्या स्वैगर है तुम्हारी चाल में, चलो। ठीक है भैया। आई भाभी आप लोग बैठिए ना आके। हाँ। रास्ता तो पगली तुम्हारे। स्वैग वाली वॉक है। जरा नीचे झुकिए। क्यों झुकूं? क्यों झुकूं? अरे झुक जाओ ना विभू, वो देखना चाहते हैं तुम्हारी स्पाइन ठीक है कि नहीं। सी? अब जरा पीछे घूमिए। घूम जाइए क्यों? अरे विभू करोड़ रुपए का माल ले रहे हैं, हाँ तो ठोक पीट कर नहीं देखेंगे, घूम जाओ ना। वाह वेरी गुड। चीप स्टॉक तो डील कर ले। या श्योर। पेपर्स वगैरह बनवा लिए आप दोनों को, बस साइन करने। अच्छा तो पहले ये बताइए कि पेमेंट शेड्यूल क्या होगा? जी वो भाभी देखिए 25% तो दे चुके हैं। हुँ. बाकी बचे 25 तो वो सगाई के बाद दे देंगे। हुँ. फिर बचे 50 वो शादी के बाद तुरंत दे दिए जाएंगे। परफेक्ट। लड़का शर्मा गया यार। ये दरोगा कहाँ रह गए हो यार? पानी काम और को यार मनुष आदमी। यार टेका मलखान, इस बार ये मिशन खाली ना जाना चाहिए, जे मिशन पूरा हो तो हाथ में कुछ माल आए यार। हाँ यार वैसे एडवांस के नाम पर ये 500 रुपए टिका दे दरोगा ने। पूरे 99,500 रुपए वसूल लें वहाँ से। चिंता मत करो सब वसूल लेंगे यार। कार्य लौटो यार, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। दरोगा जी कहाँ प्रोग्राम है, कमिश्नर को किडनैप करना है फालतू में। तो पहले सब गुड़ गोबर हो जाएगा, तरक्की तो गई घुइया के खेत में, हम सारी जेल हो जाएगी हमें। दरोगा जी जे बताओ मिशन आखिर है क्या? आओ हाँ वही तो बता रही, तुम ध्यान से सुनो पहले। अब आई तो सुन रहे। जो आदमी हमें शुरू से पसंद नहीं है बता रहे ना सुन। बता बता। हम जो कह रहे कि आज रात ठीक 9 बजे हम कमिश्नर साहब को लेकर गुलफाम कली के कोठा पे आएंगे। फिर जो कि जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे तुम तीनों में आपस में डिसाइड कर लियो और छुप के गोनो बिजली के स्विच के पास खड़ो हो जाइयो। मैं खड़ा हो जाऊंगा। हाँ। यही हो जाइए ससुर। हाँ। फिर जैसे ही हम कमिश्नर साहब के साथ कोठा में पहुंचे। हाँ। बस जैसे ही पहुंचे बाकी बात थोड़ी देर के बाद बिजली को स्विच टड़ंग ऑफ हो जाएगा। तो फिर प्लानिंग चल रही है। फिर गुज्जत फिर सो रहा। हाँ। तुम दो जने कैसा भी करके अंधेरे में कमिश्नर साहब को धल लाइयो। कैसी कही? बहुत बढ़िया कही। डन है दरोगा जी। डन की बच्चा सारे। अगर जब आर प्लान फेल हो गो ना, कसम से कह रहे हम तुम तीनों मन के गुर्दा छील देंगे और जाके तो हम जा। बाजार में निकले थे मोहब्बत खरीदने, वो तो मिल ना सकी।
अगर हम खुद ही बिक गए। वाह, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, हमने तुम्हें खरीद कर अनमोल कर दिया। तिवारी जी, एक बात कहूं? कहिए। आप ना बहुत बड़े वाले दलाल हैं। सर, आपने अपने इंसान को बेच दिया हा? दलाल नहीं, व्यापारी कहिए। व्यापारी जिसने एक नल्ले घोड़े को ऊंचे दामों में बेच दिया। नल्ला घोड़ा नहीं हो तिवारी जी, मैं इस घोड़े में बहुत जोश और खरोश है, आपसे कहीं ज्यादा। और इस जोश और खरोश के बल पे इस घोड़े ने कई रेसें जीती हैं। तो फिर एक और खुला मैदान आपके सामने है, नया खिलाड़ी भी है, जीतिए रेस, जीतिए। ये घोड़ा सिर्फ एक घुड़सवार के लिए दौड़ता है, बस। लेकिन उस घुड़सवार ने इस घोड़े को उस घुड़सवार को बेच दिया है। अल्लू, तुमने मेरा शरीर बेचा है लेकिन आत्मा नहीं बेच सकती। ये आत्मा हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हें इस हरकत के लिए धिक्कारती रहेगी, कचोटती रहेगी। दुल्हा बिकता है, बोलो खरीदो। दुल्हा बिकता है, बिकता बिक तो गए, और कितना बेचोगे अपने आप को? चलिए, खैर छोड़िए, आपके बिकने की खुशी में चलिए गुलफाम कली के कोठे पे चल के जश्न मनाते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलिए ना यार। दुल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे? यार सुन, ये भी दरोगा कमिश्नर साहब को लेकर ना आओ अभी तक। यार चिंता क्यों कर रहे हैं, आने वाले होंगे। अच्छा लीमो, लाइट बुझा दूं का? ना ना मेरी जान, अभी ना। जब महफिल अपने सबाब पर हो और कमिश्नर दो तीन पैक पी के टोन हो चुका हो तब आइए। अरे सिकारा आगो, सिकारा आगो। सेठ जी, तुम कोठे पे? अरे तो तू कौन सा मंदिर में बैठा है वे? आई लव यू विभूति जी। आज अलग ही माहौल हो रहा है। तिवारी जी, जी आप एक बेजान सामान से कैसे प्यार कर सकते हैं? अरे भभूति जी, आप तो वो सामान है जिसने हमें माला माल कर दिया है। अरे खुश होइए, खुश, इतने अच्छे दामों में बिक रहे हैं आप। कौन बिक गया? शट अप। तिवारी जी, जी मैं खुश हूं, मैं खुश हो जाऊं? आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए, अगर भाभी जी आपको बेच दें तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अरे दादा, सिकारा को, सिकारा को। आओ आओ साहब। अरे गुल्लो, अबू सिंह, ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? अरे साहब, कबूं कबूं तुम मन बहला लो करो, दिन भर ड्यूटी। अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो? अरे साहब आप चिंता ना करो, कछु बीवी को पता ना चलेगा, आप आओ तो। अरे अरे भैया भैया, इधर तो हमारी कॉलोनी के बड़े बड़े महान महान आदमी आए हैं कोठा पे। कहोगे सतो, भाभी अंगूरी और गोरी मैम ने घर से बाहर निकाल दोगा। आप सभी मेहमानों का खैर मख्तम करते हैं। यार, ये खैर मख्तम कहाँ होता है? कहिए, क्या मूड है आज? गुल्लो, आज मूड ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारे साहब को बहुत ज्यादा मूड खराब है। वो तो ऐसी तड़कती फड़कती चीज सुना दो सारो, इनको मूड सही हो जाए। अच्छा, ओहो, तो आप आए हैं। अह
अरे साहब आज ना शर्माओ, आज तो बढ़िया। अबू सिंह, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे साथ कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो रहे हो? सॉरी सॉरी साहब, सॉरी। आप सभी मेहमानों से हम माफी चाहते हैं। दरअसल आज हम आपको गाना नहीं सुना पाएंगे, हमारा टेप रिकॉर्डर खराब है। यार, अरे तुम्हारा टेप रिकॉर्डर खराब है तो अपने मुंह के टेप रिकॉर्डर से कछु पेश करो। जनाब वो भी खराब है। थोड़ी देर जाओ ऊपर, मुलेठी डालो मुंह के अंदर, चबा के आओ, कछु पेश करो। अरे उसे कुछ नहीं होगा। आज हम गाएंगे और गुलफाम कली नाचेगी। वाह, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, ये जो संसार है चोर बाजार है, धोखा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। ये क्या कर रहे हो?